नमस्कार दर्शकों, चुनावी वेला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं दीपिका एस टुडे से। तो आज हम आए हैं वार्ड नंबर एक में, जहां पे बिमला देवी जी जो हैं वो चुनाव के लिए खड़ी हैं यहां से। तो हम उनसे आज जानेंगे कि वो किस तरह से अपना प्रचार प्रसार जो है वो कर रही हैं, और लोगों की क्या क्या समस्याएँ जो हैं वो उनके पास जो हैं वो बता रहे हैं इस दौरान, और उनको क्या जो है चुनाव चिन्ह मिला है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैडम। मैम, आपको पहले तो हमें ये बताइए कि आपको चुनाव चिन्ह क्या मिला है। मैडम, मेरे को चुनाव चिन्ह है जी, ताला और चाबी। अच्छा, तो आपका प्रचार प्रसार कैसा चला हुआ है, लोगों के प्रति, लोगों के लिए की तरफ से आपके प्रति कैसा समर्थन है लोगों का? मैडम जी, मैंने पहले एक दौर पहले पूरा घर घर जाकर डोर टू डोर पहले घूम लिया था। अब दूसरी बार या तीसरी बार समझो कहीं कहीं तो मैं हर घर में जा रही हूँ, और लोगों से मुझे पूरा समर्थन सहयोग मिल रहा है, और लोगों का पूरा साथ है मेरे लिए। मुझे और मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं उनके विश्वास पात्र बनूं और अपने वार्ड की समस्या का हल करूं। अच्छा, जैसे आप प्रचार प्रसार के लिए जा रही हैं तो लोग क्या क्या समस्याएं, किस प्रकार से क्या समस्याएं आपके पास उठा रहे हैं? मैम, मुझे समस्या तो आती रहती है, इनको हल करना भी जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं उनका कर्तव्य होता है पूरा करने का। ऐसा ही मेरा लक्ष्य है, जब लोग मुझे यहाँ से जिताकर भेजेंगे तो मैं उसको पूरा करने की, अपना पूरा तन मन धन से उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। समस्याएं तो कोई बताते, सभी ने बतानी है मैडम। समस्या तो हर किसी को होती है, कोई ना कोई समस्या होती है, लेकिन जो भी होगा मैंने उनको विश्वास दिलाया कि जब मुझे इस योग्य आप बनाएंगे मैं जीत कर रहूँगी। तो जो भी समस्याएं आपके आप मेरे सामने रखेंगे उसको मैं पूरा करने की भरपूर कोशिश करूंगी और करती आ रही हूं। मैडम जी, मैं आज ही नहीं, मैं 30 सालों से पार्टी से जुड़ी हूं, भाजपा पार्टी से। तो मुझे भाजपा प्रत्याशी नहीं, मुझे यहां पार्षद के लिए उन्होंने आगे लाकर खड़ा किया है, और आज केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, और मैं भी अगर लोग सभी भाई बहन मुझे आगे बढ़ने का मौका देते हैं तो मैं अपने जी जान से जो भी अपने वार्ड की समस्या होगी उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। कोशिश क्या पूरा करने का मेरा समाधान है, और मेरे को अनुभव है, मैं आज ही नहीं, मैं 30 सालों से पार्टी से जुड़ी हूँ, बतौर महिला मंडल 25 साल प्रधान रही हूँ, बीडीसी मेंबर रही हूँ 5 साल, यहाँ से नॉमिनेटेड पार्षद भी रही हूँ, और भगवान की दया से मुझे अनुभव है इतना कि इस काम को कैसे किया जाना चाहिए। जहाँ मेरे करने का होगा उसको मैं अपना लक्ष्य पूरा करके उसको पूरा करने का कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं मैडम, पूरा करूँगी उसको। और ऐसा है, अगर मेरे करने का नहीं है, मुझे लगता है कि यहाँ मेरे करने के किसी अधिकारी से मिलना है, किसी नेता से मिलना है, विधायक जी से मिलना है, मुख्यमंत्री से मिलना है। मैं तो अपना दिल में इतना रखती हूँ कि अगर मेरे को मुख्य प्रधानमंत्री जी से मिलना पड़ेगा तो मैं वहीं से भी पीछे नहीं हटूँगी, वहाँ भी पहुँच जाऊँगी मैं, लेकिन अपने बाढ़ की समस्या के लिए। तो आप अभी तक क्या प्राथमिकताएँ लेके चल रही हैं? मैडम जी, अभी तो मेरी प्राथमिकता ऐसा ही है, पहले तो वार्ड में जो भी खास करके समस्या आती हूँ, मैं भी इसी वार्ड में हूँ, मेरे को पता है कि क्या समस्या होती है। सबसे पहले तो होती है जैसे पानी बिजली, पानी बिजली की भी इतनी समस्या नहीं होती है जितनी सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या है आज, और शौचालय वगैरह, ये 4 तो प्राथमिक समस्या है। जैसे छोटी मोटी गलियाँ, छोटी छोटी घरों के लिए गलियाँ जाने के लिए, और जिनमें हम रात दिन चलते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है किसी के घर जाने की तो हमें पड़ोस में रात को भी जाना पड़ता है। तो जो हमारी गलियाँ ठीक होंगी, पक्की होंगी, तो हम उनको सही सलाम से जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई भी आ जा सकता है। उसके बाद जो भी होगी, जैसे सीवरेज की है, सबसे बड़ी समस्या तो है सीवरेज की, जहाँ सीवरेज से घर जुड़े हैं उन वहाँ पर्यावरण भी शुद्ध होता है, पूरा वातावरण शुद्ध होता है, रहो वहाँ के लोग भी है जो अपना अपने को ठीक महसूस समझते हैं। तो सीवरेज के लिए घर घर सीवरेज को जोड़ने का मेरा पहला कर्तव्य होगा। हमारे विधायक श्री नरेंद्र ठाकुर जी ने अभी 15-20 पहले 8.5 करोड़ का बजट पेश किया है,
सीवरेज लाइन के लिए, तो पहले तो मेरे के वो पैसा सही ढंग से सही स्थान पे हर घर को सीवरेज से जोड़ना का मेरा लक्ष्य होगा, उसको मैं पूरा करने के भरपूर सहयोग करूंगी। तो दर्शकों, ये थी वार्ड नंबर एक से बिमला देवी जी, जिन्होंने बताया कि वो जो भी उनके वार्ड में जो हैं, जो भी समस्याएं जो हैं लोगों द्वारा बताई जाएंगी, उन्हें प्राथमिकता के तौर पर और बहुत ही अच्छे तरीके से वो उनका समाधान करने की कोशिश करेंगी। कोशिश क्या करेंगी, पूरा उनका समाधान करेंगी। तो ये थी एज टुडे के लिए दीपिका रानी की रिपोर्ट, कैमरामैन अश्विनी कुमार के साथ।